नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आप देख रहे हैं माइंड एक्सपर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे अभ्यर्थी बिहार स्टेट 2024 के रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों का इंतज़ार हुआ खत्म। और जैसा कि बिहार बोर्ड ने बिहार स्टेट के रिजल्ट आज ही जारी कर दिया है और आप भी देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे अंत तक। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार स्टेट 2024 रिजल्ट में जो क्या बोलते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, जिसमें कि जनरल के लिए 50% कट ऑफ है, उसके बाद बीसी के लिए यहाँ पे 45.5% है, उसके बाद ओबीसी के लिए 42.5% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% एंड ओमेन के लिए 40% यहाँ पे कैटेगरी क्या बोलते हैं कट ऑफ रखा गया है, ठीक ना। इसी के बेस पे आप लोगों का रिजल्ट आया है और आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको बता दूं कि आपको सिंपली कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया हूँ। आपको सर्च करना है बिहार स्टेट। जैसे ही बिहार स्टेट सर्च करिएगा तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करिएगा दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्टेट, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट सर्च रिजल्ट कार्ड, स्टेट सर्च रिजल्ट कार्ड। इसको आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट सर्च कार्ड। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर नीचे में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है रिजल्ट कार्ड फॉर स्टेट एग्जाम 2024। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ। मैं एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। मैं जिसका चेक कर रहा हूँ उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से सेम टू सेम प्रोसेस करना है, उसी के बाद आप यहाँ पर रिजल्ट देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सिंपली कैप्चा फिल आउट करना है, तो मैं यहाँ पे कैप्चा फिल आउट कर देता हूँ, ठीक ना। उसके बाद जिस तरह जैसे ही आप यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल आउट कर दीजिएगा दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बटन दिख रहा है, आपको सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सर्च करने के लिए, आपका रिजल्ट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन होकर आ गया है रिजल्ट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर कर दिया हूँ काहे कि प्राइवेसी के लिए। तो आपका रिजल्ट सिंपली इसी तरह से देखेगा, तो आप यहाँ पे रिजल्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो थैंक यू गाइस।